जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले भाई कमेंट बॉक्स में जाओ, आपका मन में अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करो। कल Q&A वीडियो आने वाला है, तो जो जो कमेंट आएगा इस वीडियो में, सारे कमेंट को मैं कलेक्ट करने वाला हूँ और कल का वीडियो में मैं रिप्लाई करूँगा, मतलब आंसर देने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपका मन में कोई भी सवाल है, आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ जो है 4G है और दूसरी तरफ 5G है। अब 4G जो है लग रहा है कि ओल्ड जनरेशन हो गया है, क्योंकि अभी ज़्यादातर फ़ोन जो है 5G आ रहा है, तो न्यू जनरेशन जो आएगा 5G आने वाला है। अब दोस्तों, यहां पर जो है 4G ही है इंडिया पे, अभी भी 5G लॉन्च नहीं हुआ है। एयरटेल तो रेडी मतलब हो चुका है, क्योंकि टेस्टिंग वगैरह कर चुका है। इससे पहले हैदराबाद में उन्होंने टेस्टिंग किया था, जहां पर सक्सेसफुली उसने दिखाया था 5G का स्पीड वगैरह सब कुछ दिखाया था। तो गाइस, 5G अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक जो है उसको अप्रूवल नहीं किया है, मतलब परमिशन नहीं दिया है, इसलिए अभी भी एयरटेल जो है 5G इंडिया पे लॉन्च नहीं कर पाया है। बट दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भाई जियो कब इंडिया में 5G आएगा, और जियो का जो फोन आएगा वो 5G के साथ आएगा या फिर 4G के साथ आएगा, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। काफी दिनों से कमेंट आ रहा था मेरा वीडियो में, भाई जियो फोन 3 कब इंडिया पे लॉन्च हो रहा है, कब इंडिया पे लॉन्च हो रहा है। तो गाइस, फाइनली जियो का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है इंडिया पे। ये फीचर्स फोन नहीं है, स्मार्टफोन है, मतलब स्क्रीन टच, जो इससे पहले जियो लॉन्च किया था, जियो लाइफ ब्रांड करके। तो कुछ उसी तरह का नया फोन इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा जियो की तरफ से, जो कि नया फीचर्स के साथ आएगा, नया टेक्नोलॉजी रहेगा और नया कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि जियो हमेशा कुछ नया करता है। तो जियो जो नया फोन लॉन्च कर रहा है, ये आईटेल मोबाइल के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च कर रहा है। आईटेल कंपनी के नाम शायद आपने सुना होगा, इन्फिनिक्स और टेक्नो जो है उसी का एक भाई है आईटेल, मतलब ये जो तीनों कंपनी है इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो सेम है, सिर्फ भाई भाई है, मतलब ब्रांड अलग अलग है बट मालिक एक ही है। तो आईटेल के साथ जो है अभी जियो मतलब फ्रेंडशिप किया है, कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह किया है, और उसी के साथ कॉन्टैक्ट करके जो है एक नया फ़ोन जियो जो है इंडिया पे लॉन्च कर रहा है। अगर आप आईटेल का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक करेंगे आईटेल मोबाइल का, वहाँ पर जो है जियो का एक मोबाइल जो है मेंशन किया गया है। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो बैक पैनल या फिर फ्रंट का व्यू कैसा होगा वो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल रहा है। बाकी फीचर्स वगैरह अभी कुछ निकल कर नहीं आया है, मतलब क्या कुछ फीचर्स मोबाइल में मिलेगा, बट ये स्मार्टफोन होने वाला है, फीचर्स फोन नहीं होने वाला है, ये एक प्लस पॉइंट होगा। और आपको पता होगा जियो जो है हमेशा जो भी स्मार्टफोन या फिर फीचर्स फोन इंडिया पे लॉन्च करता है, बहुत ही कम प्राइस में हमें देखने को मिलता है, और खास करके डाटा या फिर कॉल या फिर SMS, ये सारे में जो है बहुत ज़्यादा हमें ऑफर्स वगैरह देखने को मिलता है। तो गाइस, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है और आप एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं 4G या फिर 5G, देखते हैं क्या आता है, 4G आता है या फिर 5G आता है, बट अगर आप सस्ते में फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसमें आपका हर एक काम चल जाए और आपको डाटा वगैरह बहुत ऑफर्स वगैरह मिले, तो गाइस ये फ़ोन आपके लिए बेहतर हो सकता है, जो कि जियो की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। वैसे आईटेल मोबाइल का अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर भी इसी चीज़ को मेंशन किया गया है कि जियो की तरफ से आईटेल कंपनी जो है एक फ़ोन लॉन्च कर रहा है, मतलब जियो और आईटेल पार्टनरशिप में एक फ़ोन लॉन्च कर रहा है, जो कि स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें आपको 4G मिलेगा या फिर 5G मिलेगा, ये तो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई भी फीचर्स वगैरह नहीं निकल के आया है, स्टे ट्यून कहा गया है। बहुत जल्द इसका फीचर्स वगैरह भी निकल के आएगा और इंडियन मार्केट में ये फ़ोन लॉन्च होगा, मैं कोशिश करूंगा इसको अनबॉक्सिंग लाने का। बाकी आप लोग कितना एक्साइटेड है इस फोन को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और आपका मन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, मैं कल का वीडियो में उसका रिप्लाई करने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं और कोई इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।